हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग IAS बाय टेस्टबुक्स यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। होप यू आर हैविंग अ गुड मॉर्निंग। हाउ इज द मॉर्निंग? सो व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस क्लास, जैसा कि हम लोग अपने पिछले एक दो हफ्ते से कर रहे हैं, डेली 7:30 AM मंडे टू सैटरडे हम लोग जो भी आपके हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं रिगार्डिंग टू करंट इशूज, करंट डेवलपमेंट्स, जिन पे एडिटोरियल्स आते हैं आपके हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, उनको हम कवर करते हैं, राइट? एंड आपको पता है कि जब हम यहाँ पे कवरेज कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि आपका जो ये एडिटोरियल्स हैं, है ना, पर्टेनिंग टू डिफरेंट इश्यूज, ये किस तरीके से प्रिलिम्स में क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकते हैं एंड किस तरीके से आपका जो मेन्स है उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट? आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं अपने मेन्स आंसर राइटिंग में एंड अदर एस्पेक्ट्स। साथ ही साथ में वी सी द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन pertaining to a particular current issue or the current development. तो हम वो भी देखते हैं, right? And that is very necessary. क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा half-baked knowledge के साथ जाएंगे तो होगा क्या कि आप ना वहाँ पे exam में उतना अच्छा perform नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमें लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारा कवर कर लिया, पढ़ लिया, बट वॉट हैपन्स इन द एग्जाम, आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि यार मैंने ये पढ़ा था बट शायद ठीक से नहीं पढ़ा, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बन जाता, है ना? एंड टू नॉट हैव दैट गिल्ट फीलिंग एट द टाइम ऑफ एग्जाम, वॉट वी आर डूइंग, हम पहले से ही वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, राइट? सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वी विल स्टार्ट। सो टुडे इज 26th June 2023, वी विल बी डूइंग द हिंदूज एडिटोरियल्स, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एंड विल डिस्कस द अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट? चलिए, जस्ट अ मिनट, सो गाइज बिफोर वी स्टार्ट, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, बिफोर वी स्टार्ट यू कैन डू वन थिंग, आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। तो यू कैन सेट दिस इज योर व्हाट्सएप स्टेटस इमीडिएटली, है ना, और यू कैन शेयर इट ऑन योर टेलीग्राम चैनल्स और वेयर एवर यू कैन, वेयर द सोशल कम्युनिटी इज प्रेजेंट, राइट? एंड जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे जो करंट इश्यूज से खुद को, है ना, अवेयर रखना चाहते हैं, तो आप चाहें तो उनके साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे जाएं और ब्रीफिंग करें एंड बाद में अपने जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करें। उससे पहले टेलीग्राम चैनल, सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको जो PDFs वगैरह मिलती है वो यहीं पे प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न होता है एग्जाम को लेकर के, यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स ओवर हेयर, ठीक है? फील फ्री टू आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स ओवर हेयर, आई विल एड्रेस। कैसे ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे सर्च कर लो @SonpriyaMamTestbook और वॉट यू कैन डू QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लो, ठीक है? चलो, सो आज का अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट आपके करंट इश्यूज या डेवलपमेंट्स को जिनको कवर किया गया है, फर्स्ट जो है द फर्स्ट आर्टिकल, इट इज रिलेटेड टू ड्रग एंड वैक्सीन रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन केस ऑफ इंडिया। सो हम डिस्कस करेंगे, आपको याद होगा अगर आप करंट इश्यूज की जो क्लासेस है वो मेरे साथ में रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, दोनों क्लासेस अपनी, ये 7:30 वाली भी और 11:45 AM वाली भी जो अपनी दोनों यूट्यूब पे होती है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने कुछ इश्यूज को डिस्कस किया था रिगार्डिंग इंडियाज ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म, राइट? यहां पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज जहां पे हम अपने ड्रग्स यानी कि अपने फार्मास्यूटिकल्स, अपनी मेडिसिन सप्लाई करते हैं, वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं डेथ की या फिर सीरियस हार्म की, है ना, श्रीलंका हो गया, नाइजीरिया हो गया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो यहां पे भी इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना, ड्रग सेफ्टी मैकेनिज्म है, उसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू, आप प्रीवियस जो अपने एडिटोरियल से उनको जरूर देख लेना, है ना। एक अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट टू नो कि जरूरी नहीं है हर एडिटोरियल पे आप जो है एक घंटा या आधा घंटा दें, है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा कि किस लाइट में ये आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले हमने एक एडिटोरियल किया था एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स
कि बहुत सारी कंट्रीज आपकी अफ्रीका और एशिया की जहाँ पे आपका गवर्नेंस मैकेनिज्म इन जनरल कमज़ोर है, वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया की मे बी दी आई ड्रॉप्स और दी कफ सिरप्स है ना, ये जो हैं इनसे सीरियस हार्म पहुँच रहा है वहाँ के लोगों को, और ये इंडिया के ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म और सेफ्टी मैकेनिज्म पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। साथ ही साथ में मैंने आपको इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसके बारे में भी बताया था, और किस तरीके से फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो हमारे वन ऑफ द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट हैं। तो ये इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, है ना, ट्रेड परस्पेक्टिव से अच्छा नहीं है, इंडिया की ग्लोबल इमेज के लिए अच्छा नहीं है, ये सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये। साथ ही साथ में एक और हमने न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस की थी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर, जहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो COVID-19 का एक वेरिएंट है ना, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो काफी डेडली है, काफी सीवियर है ना, जिसके रिपरकशंस काफी सीवियर होते हैं, उसको एक तरीके से टैकल करने के लिए है ना वैक्सीन जो है वो डेवलप किया गया है, mRNA वैक्सीन है, आपको याद हो तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, और जो बनाने वाली कंपनी है वो खुद इंडियन कंपनी है, सो इट इज एन इंडिजिनस वैक्सीन। तो उसी की लाइट में ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया का जो ड्रग और वैक्सीन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और क्यों जरूरत है, ठीक है, व्हाई देयर इज अ नीड एंड हाउ टू डू इट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये अपने GS के paper 3 में यूज कर सकते हैं, आप अपने GS paper 2 में भी इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, सो आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि मोदी जी जब अपने US स्टेट विजिट पे गए रिसेंटली, तो प्राइम मिनिस्टर के स्टेट विजिट में इंडियन डायस्पोरा जो है उसके साथ में मीट इंक्लूडेड थी। इंडियन डायस्पोरा का अगर मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो NRI हो गए, है ना, जो इंडियंस ही हैं जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है लेकिन वो जाकर के बाहर रह रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो आप कहोगे कि जिनकी इंडियन रूट्स हैं, है ना, तो उनकी एंसेस्टर्स जो है वो इंडियन रहे होंगे, इंडियन रूट्स रखते होंगे, वैसे लोग। सो इंडियन डायस्पोरा के साथ में मीटिंग्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने करी। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये ना बहुत ही वो हो गया है, एक ना रिपीटेड हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी। सो जब प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट गए तो वहां पे भी आप देखोगे कि जो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी है, भले वो बहुत स्मॉल कम्युनिटी है, उसको भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया। इसके अलावा आप देखोगे कि रिपीटेडली जब हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं वो भी जब डिफरेंट आपके इंटरनेशनल विजिट्स पे जाते हैं, है ना, तो वहां पे वो डायस्पोरा से मीट करते हैं। तो यहां से एक चीज तो बहुत क्लियर हो रही है कि डायस्पोरा को अगर इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है स्टेट विजिट्स के अंदर, है ना, एंड बाकी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं जैसे कि आपके चीफ मिनिस्टर वगैरह वो जब विजिट पे जा रहे हैं तभी भी, इसका मतलब डायस्पोरा जो है वो सिग्निफिकेंट तो है, राइट। सो यहां पे हम इंडियन डायस्पोरा क्या है, इंडियन डायस्पोरा इंडिया के लिए कैसे मैटर करती है, उसके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। व्हाई? क्योंकि आपके GS paper 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडियन डायस्पोरा जो है वो सीधा सीधा टॉपिक है, इंडियन डायस्पोरा। अब क्या होता है, ये टॉपिक कोई आपको कोचिंग वगैरह में पढ़ाता नहीं है ऐसे टॉपिक्स, है ना, इनके लिए जो आपको फॉर्डर मिल रहा होता है वो जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 9 जनवरी को, हिस्टोरिक रीजन है, महात्मा गांधी जो है वो 1915 में 9 जनवरी को वापस लौटे, और उसके बाद में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चाहे आप सेक्युलरिज्म देख लो या अदर फीचर्स देख लो, उनके अंदर महात्मा गांधी की पॉलिसीज का काफी इन्फ्लुएंस है। तो महात्मा गांधी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 9 जनवरी को डायस्पोरा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2003 से यह मैकेनिज्म शुरू हुआ। तो क्या होता है, जब भी आपका डायस्पोरा डे होता है उस दिन पूरी रिपोर्ट्स आती हैं, तो अगर आप इन ट्यून हैं इन रिपोर्ट्स के, तो आपके पास में जो करंट डेटा है वो प्रेजेंट होगा इंडियन डायस्पोरा का, दैट यू कैन यूटिलाइज इन योर एग्जाम। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में आपसे ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए इंडियन डायस्पोरा डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये मैकेनिज्म कब शुरू हुआ, इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट हो सकता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आपका हिस्ट्री से आ गया यहाँ का बैकग्राउंड, और उसके बाद में कि अभी रिसेंट में क्या चेंजेस आपको इंडियन डायस्पोरा डे के डायस्पोरा जो कन्वेंशन होती है उसमें देखने को मिल रहा है, थीम क्या है इंडियन डायस्पोरा का, इंडियन डायस्पोरा डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस, उसका थीम क्या है इस ईयर, उसके प्रीवियस ईयर क्या था, इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में आ जाती है। या फिर कोई रीसेंट अगर रिपोर्ट आई है कि इंडियन डायस्पोरा जो है ना उसका दुनिया में जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है उसमें कहां स्टैंड है, तो इंडिया की डायस्पोरिक कम्युनिटी कितनी लार्ज है,
या जो हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं, तो आपको पता है जो डायस्पोरा डिफरेंट कंट्रीज में प्रेजेंट है, इनमें से बहुत सारे लोग जो उनके इंडियन रिलेटिव्स इंडिया में प्रेजेंट हैं, वहां पे पैसे भेजते होते हैं उनको, राइट? तो रेमिटेंसेस में इंडिया का स्टैंड कहां पे है? सो ये सारी चीजें अगर रिपोर्ट्स में आती होती करंट में, तो वो आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है. और मेंस में सीधा सीधा पिछले साल एक बार क्वेश्चन आया था, पिछले एक दो साल के अंदर, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट हाँ 2018 के बाद में, वहां पे पूछा गया था कि जो साउथ ईस्ट एशिया की डायस्पोरिक कम्युनिटी है, वो इंडिया और आपके इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है ना, उनके रिलेशनशिप में क्या रोल प्ले कर रही है. नाउ पीपल वर ब्लैंक इन द एग्जाम, द रीजन बीइंग ये कोचिंग में आपको पढ़ाया नहीं जाता, मगअप नहीं करवाया जाता. बट अगर आप न्यूज़पेपर्स को कवर करेंगे, जैसे कि आज का एक आर्टिकल आया है, तो यू विल फाइंड दैट यू विल बी हैविंग सफिशियंट फॉडर, आपके पास काफी मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन पढ़ते वक्त इस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है. तीसरा, मणिपुर कम्युनल क्लैशेस रिटर्न टू नॉर्मलसी. अब आपको पता है कि मणिपुर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसको लेकर के रिपीटेडली आपके एडिटोरियल्स आ रहे हैं, हिंदू में भी आ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी आ रहे हैं, है ना. हिंदू में कभी पहले आता है, कभी इंडियन एक्सप्रेस में पहले आता है. बट मैं आपको अश्योर कर दूं कि मोस्टली आपको जो आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में, वो आगे पीछे होते हैं. एक दिन किसी में आ गया, दूसरे दिन किसी में आ गया, एक हफ्ता किसी में आ गया, दूसरा हफ्ता किसी में आ गया. मोस्टली जो बातें कही जाती हैं, जो ऐसे एडिटोरियल से जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनमें बातें भी मोर और लेस सेम होती है. मैंने आपको कहा था इंडिया कनाडा की टाइज वाले पे कि हर्षवी पंत ने जो लिखा है ना, और विवेकनाथ काटजू ने जो लिखा, ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे आर्टिकल लिखा गया था, कुछ ऐसे अलग नहीं लिखा था उन लोगों ने. तो यहां पे आप देखेंगे कि मणिपुर के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को रिपीटेडली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं. द रीजन बीइंग, कवर करना भी चाहिए. पिछले दो महीने से मणिपुर के अंदर वायलेंस चल रही है. हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छे से देख लिया है कि मणिपुर में जो वायलेंस है उसके पीछे के कॉजेस क्या हैं, यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले कर सकती हैं, सिविल सोसाइटी जो है वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं. आज ऑथर ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में क्या किया है, उन्होंने मेतीस का क्या ग्रीवांसेस है, कुकी कम्युनिटी जो है उसका क्या ग्रीवांस है, उसको मेंशन किया है. और यहां बताया है कि किस तरीके से आपकी जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है वो मणिपुर के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को शेप कर रही है ना. सो ज्योग्राफिकल इंटेग्रिटी जो होती है, हम चाह कर भी उसको तोड़ नहीं सकते. हम कहते हैं ना हमेशा कि वी कैन चूज अवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चूज अवर नेबर्स. तो चाहे डोकलाम क्राइसिस में इंडिया का केस देख लो आप, या रशिया यूक्रेन से जो फाइट कर रहे हैं वो देख लो, इनके पीछे ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इज द रीजन, राइट? ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इज वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से हमें दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके इशू में भी कभी कभी इन्वॉल्व होना पड़ता है. सिमिलरली अगर हम किसी स्टेट में भी देखें, तो मणिपुर के बारे में मैंने आपको बताया है कि ज्योग्राफिकली अगर आप देखो तो वेली एरिया में मेती कम्युनिटी रहती है और आपके हिली एरिया में कुकीज नागाज ये लोग रहते हैं. भले ही दे आर ज्योग्राफिकली सेपरेटेड, बट व्हाट यू विल फाइंड, ज्योग्राफिक जो है वो इंटीग्रेटेड होती है, आप सेपरेट नहीं कर सकते. आप हिली एरिया में जो करोगे उसका इंपैक्ट वैली पे पड़ेगा, जो डाउनस्ट्रीम लोग हैं. यहां पे ऑथर ने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश हैं उनका भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक रोल है. आजादी के बाद में भी किस तरीके से मेतीज जो हैं, है ना, वी हैव फेल्ड देम. साथ ही साथ में कुकीज के ट्रबल की भी उन्होंने बात करी है. और उसके बाद में उन्होंने बात करी है कि किस तरीके से यहां पे आपको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के जगह पे स्टेट्समैनशिप दिखाने की जरूरत है. सो ये जो सारी बातें होती है ना, आप अपने एसे के अंदर कोट कर सकते हो. यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर योर एसे पर्सपेक्टिव. एंड ऑब्वियसली आप अपने आंसर्स में अगर ये टर्म्स यूज करते हो, स्टेट्समैनशिप, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, यू विल गेट बेटर मार्क्स. गाइस, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, एक चीज बताती हूं आपको. मैंने आपको बताया कि ये तीन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में. रेस्ट ऑफ द आर्टिकल वन इज रिलेटेड टू कि किस तरीके से जो अपोजिशन पार्टीज की रिसेंटली पटना में सबमिट हुई उसके रिगार्डिंग, एंड वहां कहा गया है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर कमिंग एंड फॉर्मिंग अ सिंगल फ्रंट, एंड मे बी दे आर ट्राइंग कि वो बीजेपी के अगेंस्ट नेक्स्ट 2024 के जनरल इलेक्शंस में कॉमन कैंडिडेट जो उसको फाइल उसके नॉमिनेशन को फाइल करवाएंगे. सो दे विल बी हैविंग अ कॉमन कैंडिडेट. अलग अलग पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं करवाएगी. सो उनका अपोजिशन का एक सिंगल कैंडिडेट होगा उनकी तरफ से, जो यूनानिमसली चूज किया जाएगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट? आपको पता है हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज वर्क. बट इनकेस ये हो भी जाता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक टर्म यूज किया गया है, मैं आपको बताऊंगी. उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर कहा है कि नंबर्स जो होते हैं, जो एरिथमेटिक होती है और जो केमिस्ट्री होती है, उसमें डिफरेंस होता है.
और बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं दीपांकर गुप्ता, वो ये बात करते हैं इंडिया में इलेक्शन और कास्ट जो है उसको लेकर के। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है 1+1=2 इन केस ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है कि अगर अपोजिशन पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना एक कॉमन कैंडिडेट फाइल करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग वोट करते हैं इन अपोजिशन पार्टीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करता है, आपके लिए वोट करता है, जनता दल यूनाइटेड के लिए वोट करता है, अब आपने सोचा कि हम तीनों चारों पार्टीज मिलकर एक कैंडिडेट को फाइल कर देंगे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और अगर आप नंबर्स को इस तरीके से गिनो कि तृणमूल का यहाँ पे इतना बेस है, आपका इतना बेस है, जनता दल यूनाइटेड का इतना बेस है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये सारे लोग मिलकर के हमारे कॉमन कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे एंड देन हम बीजेपी को आसानी से हरा देंगे। दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, सो द केमिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द अरिथमेटिक, पहली चीज तो ये। दूसरा ही पॉइंट्स आउट कि जो पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे साथ में आई हैं उनमें कोई भी ना आइडियोलॉजिकल सिनर्जी नहीं है, कोई भी कॉमन प्रोग्राम नहीं है। सो ऐसे में एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी को जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में रूल कर रही है उसको हराना डिफिकल्ट होगा। वो कहते हैं कि यस देयर आर सम एरियाज लाइक सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, वेयर इन दिस पार्टीज कैन कम ऑन टू अ सिंगल प्रोग्राम, और जरूरत है ऐसे सिंगल प्रोग्राम को डिवाइस करने की जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो, तब जाके आप जो है रूलिंग पार्टी जो है, है ना, जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में प्रेजेंट है, आप उसको हरा पाएंगे 2024 के जनरल इलेक्शंस के अंदर। तो ये बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, बट यहां पे एक लाइन जो है उस आर्टिकल की बस, है ना, द केमिस्ट्री इज नॉट सिमिलर टू द अरिथमेटिक्स, नंबर्स डू नॉट एड अप इजीली इन द पॉलिटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इन द पॉलिटिक्स, स्पेशली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। सो ये सारी बातें अब आप देख रहे हो ना, इसमें कुछ इतना स्पेशल तो नहीं है, है ना, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं है, बट एक दो लाइन कहीं काम आ गई। सो ध्यान रखिए कि ऐसे भी आर्टिकल्स होंगे, है ना, ऐसे भी आर्टिकल्स होंगे तो वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में फिट बैठते हैं, तो यू मस्ट रीड दम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, धीरे धीरे कहीं इसके आसपास और डेवलपमेंट हुआ तो वो कवर करेंगे न्यूज़पेपर्स, देन अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल आता है तो आप उसको पढ़ सकते हो। बट देखो मैंने आपको एक पूरे एडिटोरियल की समरी बता दी यहाँ पे, फर्स्ट एडिटोरियल की, सेकेंड इज रिलेटेड टू दिस, थर्ड इज रिलेटेड टू दिस, फोर्थ इज रिलेटेड टू दिस। आज के न्यूज़पेपर में ये चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा इफ टाइम परमिट्स, दो आर्टिकल्स रिमेनिंग थे उस दिन के, है ना, हम कर लेंगे। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही है, तो मुझे नहीं लगता यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपको और ज्यादा कुछ आर्टिकल पढ़ने की जरूरत है। मेजोरिटी ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो आर्टिकल्स आएंगे वो हमने जो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था अपनी सेकेंड या थर्ड क्लास के अंदर, है ना, एडिटोरियल्स में, वहीं से आएंगे। अगर आपने वो कर लिया है तो मोर देन सफिशियंट है। एक वो यूएस ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, जहां पे कोई भी कंक्लूसिव डील ऐसा सच हुई नहीं है, बातें चल रही हैं, तो प्रेजेंट डील में और पास्ट डील में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं, है ना, उस लाइन पे हम बात करेंगे, और इंडिया के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है भले शॉर्ट टर्म के लिए हो, अगर ये डील हो जाती है तो, राइट। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस इश्यूज। एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, शैल वी बिगिन? बिल्कुल श्रीनिधि यहां पे लिख रहे हैं कि मैम रेदर देन कंसेंसस एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे आर फोकसिंग मोर ऑन डिवाइड एंड रूल, है ना, बिल्कुल यस, दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, राइट। चलिए, सो ये आपका फर्स्ट आर्टिकल है ना, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो क्या दिया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, पहले वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक न्यूज बताई, है ना, कि हमने पिछले अपने एडिटोरियल में कवर किया था और जहां बताया गया था कि शायद इंडिया का जो ड्रग सेफ्टी मैकेनिज्म है और जो ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, जिसके वजह से आप क्या देख रहे हो, मेनी ऑफ द ड्रग्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, आई ड्रॉप हो गया, कॉफ सिरप हो गया, अदर ड्रग्स हो गए, इनके अंदर आप देखेंगे कि अनसेफ एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और दूसरा आप क्या देखोगे, इनके अंदर कभी कभी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाया जा रहा है जो पूरी, है ना, ह्यूमन हेल्थ जो है उसके लिए थ्रेट बन सकता है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने ड्रग सेफ्टी और रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसमें इंप्रूवमेंट करें। दूसरा, मैंने आपको कहा कि रिसेंटली क्या हुआ कि आपका जेम कोविक,
आप लोग जो मेरे साथ में करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करते हैं आपको पता होगा है ना, 11:45 वाली, जेम कोविक ओएम। सो जेम कोविक ओएम जो है ना, ये आपका COVID-19 का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको टारगेट करते हुए mRNA वैक्सीन जो है वो है। और आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो वैक्सीन बनाया गया है ये एक इंडियन कंपनी ने बनाया है और ये कंप्लीटली आपका इंडिजिनस वैक्सीन है। अब यहां पे इस वैक्सीन को आप क्या देखेंगे कि इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर दिया गया है किसके द्वारा, इंडिया में ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आपको याद होगा उस दिन मैंने आपको कहा था इंडिया में अगर हम ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बात करें है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1947, और उसके बाद में आपका जो ड्रग्स एंड क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल रूल्स जो आपके 2019 में आए वो। उसके अलावा अगर हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में देखें तो आपका जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है इसी के अंदर अगर आप देखें, एक मिनट हाँ, इसी के ड्रग एंड आपका कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है इसी के अंदर अगर आप देखें तो आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है और ये आपका जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है उसका चीफ होता है, और ये दोनों ही मैकेनिज्म आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जी, है ना, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इनकी बात की गई है। अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि आपका जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है COVID-19 का उसको टारगेट करने के लिए जेम कोविक ओमिक्रॉन है ना, जो ये वैक्सीन बनाया गया है, जो mRNA वैक्सीन है, इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दे दिया गया है। ये तो आपने न्यूज हेडलाइंस में पढ़ा होगा। अब इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। चलो बात करते हैं। सबसे पहले एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के बारे में सबको बेसिक्स पता होना चाहिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तीसरा आपको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बारे में, एंड जो आपके ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल हैं ऑफ 2019 उसके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या लीगल मैकेनिज्म है इंडिया में और कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म है रिगार्डिंग टू द ड्रग सेफ्टी एंड द ड्रग रेगुलेटरी जो भी है ना, ड्रग रेगुलेशन। सो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर जेम कोविक ओएम वैक्सीन की। तो आप देखोगे कि आपका जो जेम कोविक ओएम वैक्सीन है जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ही बनाया है, ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है। अब यहां पे आप कहेंगे कि मैम आप इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो mRNA बेस्ड वैक्सीन पे। बात यह है कि आपका जो ये पर्टिकुलर वैक्सीन बनाया गया है इसके अंदर, जैसे कि जनरली हम करते हैं, आपका जो भी वायरस होता है ना, जो भी आपका वायरस होता है उसको हम वीक फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है ना, या तो डेड वायरस यूज करते हैं या वीक वायरस जो होते हैं उसको यूज करते हैं, और फिर हम जो ये वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं जब ये जो भी लोग हैं उनको दिया जाता है वैक्सीन, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज फॉर्म होती है इसके अगेंस्ट। फिर रियल में अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ना, आर बॉडी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एंड वहां पे फिर आपको एक हाइटेंड रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और वैक्सीन हमें वो हार्म नहीं पहुंचा सकता जितनी कैपेबिलिटी वो रखता है। तो ये पूरा आपका वैक्सीन इस तरीके से काम करता है। mRNA वैक्सीन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो वायरस होता है वो कोई डेड वायरस या वीक वायरस नहीं है। यहां पे क्या किया जाता है, आपका जो वायरस है उसका ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसको इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन डेवलप करने के लिए। और आप देखोगे कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है जिसमें आपका मैसेंजर आरएनए है, ये खुद जब हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, सो वैक्सीन में क्या है, डेड वायरस या उसका कोई पार्ट नहीं है, हमने क्या किया है उसका जो स्पाइक प्रोटीन है यहां पे है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और उसमें जो mRNA मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है वो हमारी सेल्स को गाइड करता है क्या करने में, ये स्पाइक प्रोटीन जो है इसकी कॉपी बनाने में। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, mRNA वैक्सीन का बेनिफिट ये होता है कि आप देखोगे कि आपको ये वायरस, ये जो वैक्सीन है अगेंस्ट द वायरस, ये बहुत कम है ना, आपको बहुत
कम डोज में, स्मॉल डोज में यूज करना पड़ता है. व्हाई? द रीजन बीइंग कि जो एंटीजन है यानी कि जो स्पाइक प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में खुद क्रिएट किया जाता है, खुद क्रिएट होता है. हमने क्या किया है यहां पे देखिए, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पे जो आपका mRNA है वो यूज कर ले रहे हैं स्पाइक प्रोटीन में से, स्पाइक प्रोटीन में से mRNA को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं और mRNA खुद बॉडी बनाती है. ये आपको ध्यान रखना है यहां पे, ठीक है. आप यहां पे क्या देख रहे हैं, आप यहां पे देखेंगे, प्लीज इसको ध्यान से फिर फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन सीधा प्रीलिम्स से बनता है यहां से, ठीक है. सो mRNA वैक्सीन्स डू नॉट इंजेक्ट द वायरस और द पार्ट बट रेदर इनेबल्स द बॉडी इटसेल्फ टू मेक अ पार्ट. COVID-19 mRNA vaccines inject mRNA, messenger RNA that teaches the body to make the spike protein. और इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि खुद जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी में ही बनेगा, mRNA गाइड करेगा हमारी सेल्स को, तो हमें इसको बहुत कम अमाउंट में यूज करना पड़ता है. दूसरा आप देखोगे कि mRNA vaccines जो हैं, आप रैपिडली इनको डेवलप कर सकते हैं और आप इनको स्केल अप भी कर सकते हैं किसी फ्यूचर वायरस के अगेंस्ट, तो इनके बेनिफिट्स हैं. और अगर खुद की अपनी कोई इंडिजिनस जो कंपनी है ना, वो इस पर्टिकुलर अगर इस टाइप के वैक्सीन्स को डेवलप कर पा रही है, तो हम क्या देखेंगे, ये एक तरीके से हमारी जो इंडियन कंपनी है ना, इन दिस केस आपका जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स, उनकी कैपेसिटी को हमें दिखाता है कि यस, इंडियन कंपनीज आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द mRNA वैक्सीन ऑन देयर ओन नाउ, विच इज गुड. अब आप यहां पे क्या देखोगे, है ना, आप यहां पे देखोगे कि एक mRNA जो है वो बेटर है आपके ट्रेडिशनल वैक्सीन से, हमें कम अमाउंट में देना पड़ता है ना, इसको हम रैपिडली क्या कर सकते हैं, हम इसको स्केल अप कर सकते हैं और इसको रैपिडली डेवलप भी कर सकते हैं. प्रॉब्लम क्या होती है mRNA के साथ में, mRNA बेस्ड वैक्सीन के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो होते हैं ये स्टेबल नहीं रहते हैं. आपको इनको बहुत ज्यादा है ना कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना होता है. बट द गुड थिंग इज आप यहां पे क्या देखेंगे कि आपकी जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स ने जो ये mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाया ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट, इसमें आपको एक नया इनोवेशन देखने को मिलेगा. इन्होंने इस तरीके से बनाया है कि आप इस पर्टिकुलर वैक्सीन को जो मेडिकल रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा अल्ट्रा लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी और वैक्सीन एफिशिएंट भी रहेगा एंड सेफ भी रहेगा. सो दिस इज अ गुड थिंग, है ना, ये और ऑथर भी बोलते हैं यहां पे, राइटर भी बोल रहा है कि दिस इज अ गुड थिंग एंड ठीक है, इंडियन कंपनीज को गुड लाइट में पोर्ट्रे कर रहे हैं. फिर वो रीसेंट इंसिडेंट्स की थोड़ी सी बात करते हैं कि रीसेंट में जो कुछ इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं वो इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ड्रग सेफ्टी मैकेनिज्म है, उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स जो है वो रेज करते हैं. फिर ऑथर आगे क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको हेडलाइन भी दिखाई कि आपका जो जैम कोविक ओएम वैक्सीन है, इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, कोई भी ये पूछेगा. मुझे ये बताओ आप में से सब लोगों को एक चीज समझ में आई, देखो किसी भी एडिटोरियल को जब पढ़ते हैं तो आपको कब समझ में आएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, पहले आपको ये तो समझ में आए कि वो किस टाइप की वैक्सीन की बात कर रहे हैं. तो वैक्सीन हम बचपन से पढ़ते आए हैं और मोस्टली हम पढ़ते थे वीक फॉर्म में, है ना, या किल्ड वायरस, है ना, डेड वायरस को यूज किया जाता है वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फ्यूचर में हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट. वी हैव रेड ऑल दिस थिंग्स, राइट. उसके बाद में यहां पे हमने देखा कि mRNA वैक्सीन किस तरीके से बेटर है, क्योंकि इसमें वायरस का कोई पार्ट या वायरस यूज नहीं हो रहा, उसके स्पाइक प्रोटीन से एक्सट्रैक्टेड mRNA जो है वो यूज हो रहा है. ज्यादा आप जब साइंस पढ़ोगे, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह, तब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है अभी कि जो आपका मैसेंजर RNA है वो हमारी बॉडी सेल्स को ही हेल्प करता है स्पाइक प्रोटीन को डेवलप करने में. तो बॉडी में ही स्पाइक प्रोटीन डेवलप हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत छोटा सा डोज भी दे सकते हैं. और दूसरा आपको यहां देखने को मिलेगा कि जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है उनको डेवलप करना ज्यादा ईजी होता है और दूसरा आप यहां पर क्या देखेंगे, आप उनको स्केल अप कर सकते हो किसी फ्यूचर वेरियंट के अगेंस्ट, तो फ्यूचर पोटेंशियलिटी भी इसका ज्यादा होता है. तो ये तो अच्छी चीज है, बट इसमें एक खामी भी है. खामी क्या है कि ये काफी फ्रेजाइल होते हैं,
अगर आपने इनको अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया तो दे विल ब्रेक डाउन। और अगर आपका वैक्सीन ब्रेक डाउन हो गया यानी उसकी जो एफिकेसी है और उसकी जो सेफ्टी है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब यहाँ पे भी आपका जो जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स है इसका इनोवेशन हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक ऐसा वैक्सीन डेवलप कर लिया mRNA के अंदर जो आप नॉर्मल आपके मेडिकल रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर कर सकते हैं, विच इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अब नेक्स्ट आता है कि इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन? यार देखो, इन जनरल अगर आप देखें तो आप क्या पाएंगे कि आपके जो वैक्सीन होते हैं वो पूरा एक मैकेनिज्म उनको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके उनको एक अप्रूवल मिलता है और तब जाके उनको यूज किया जाता है। सो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे देखिए, द वैक्सीन्स मस्ट गो थ्रू अ प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ टेस्टिंग फ्रॉम द पेट्री डिशेस टू द एनिमल्स एंड एक्सपेंडिंग कोहर्ट्स ऑफ ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट। तो पहले लैब में इसको टेस्ट किया जाता है, फिर जो एनिमल्स हैं उन पे टेस्ट किया जाता है, फिर आप क्या करते हैं, आप अलग अलग ग्रुप के लोगों को, आपको जो लगता है कि जितना डाइवर्सिटी है ना, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, आप जो है ये इस पे टेस्ट करते हैं, है ना, एक ग्रुप ह्यूमंस पे भी आप टेस्ट करते हैं लिमिटेड स्केल के ऊपर। सो ये पूरा मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। और यहां पे ऑथर क्या लिख रहे हैं, ऑथर यहां पे लिख रहे हैं कि ये सारा जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है ये बहुत टाइम लेता है, है ना, ये बहुत टाइम लेता है, इसमें कुछ आपको सालों लग जाते हैं। लेकिन COVID-19 के टाइम पे क्या हुआ, बिकॉज दिस वायरस वॉज वेरी डेडली, है ना, इतने लार्ज स्केल पे स्प्रेड हो रहा था, डेथ हो रही थी, और दिस ओवरवेल्म्ड ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर और अथॉरिटीज एंड द कॉमन पीपल। सो इस केस में क्या हुआ, आप देखेंगे कि ये जो हम रिस्क अवर्स स्ट्रेटेजी यूज करते हैं वैक्सीन के अंदर, है ना, रिस्क एवर्जन स्ट्रेटेजी, इसका मतलब क्या होता है, आपने कोई वैक्सीन डेवलप किया, आप उसको उसकी एफिकेसी को, उसकी सेफ्टी को, उसके क्या वो बाकी जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं उससे बेटर है ना, इन सबको आप टेस्ट करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ये वायरस आपको ज्यादा हार्म पहुंचा दे रेदर देन समथिंग गुड। या अगर एग्जिस्टिंग वैक्सीन की जितनी ही उसका पोटेंशियल है तो वाई टू गिव द अप्रूवल, राइट। सो एक प्रॉपर हम रिस्क एवर्जन स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं वैक्सीन अप्रूवल में। बट COVID-19 के टाइम पे क्या हुआ, सिचुएशन को देखते हुए हमें ये जो हमारे रिस्क एवर्जन स्ट्रेटेजी है इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ी। क्या देखोगे आप यहां पे, आप यहां पे देखोगे कि जो ग्लोबली आपके ड्रग रेगुलेटर्स हैं, बी इन इंडिया, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका, है ना, आपका यूएसए वगैरह, आप कहीं पे भी देखो, दे अलाउड द वैक्सीन मेकर्स टू कंबाइन मल्टीपल स्टेजेस वाइल इवेल्युएटिंग द एफिकेसी, दस गिविंग ग्रेटर लीवे टू एक्सपेरिमेंटल फॉर्मुलेशन। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते थे जिसमें सालों लग जाते थे, COVID-19 के टाइम पे ये करना पॉसिबल नहीं था। सिचुएशन को डील करते हुए हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ी, और उसमें क्या हुआ, आपने जो आपके ड्रग रेगुलेटर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उन्होंने जो आपके ये ड्रग मेकर्स हैं, है ना, जो वैक्सीन डेवलपर कंपनीज हैं, इनको कहा कि ठीक है आपको ये सारा जो स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस होता है इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल स्टेजेस को कंबाइन कर सकते हैं एंड हम इसको फिर अप्रूवल दे देंगे। इसको हम कहते हैं इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, यानी जितने भी क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस रिक्वायर्ड होते हैं हम उसके अंदर रिलैक्सेशन दे रहे हैं। सो अगर किसी पर्टिकुलर वैक्सीन को, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ जेमकोविक ओएम, जिस वैक्सीन की हम अभी बात कर रहे हैं अगेंस्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ COVID-19, इसको इंडिया में आपका जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है इसने इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया है। सो ये कुछ सिचुएशंस मेंशन करते हैं कि इन सर्कमस्टांसिस में इस पर्टिकुलर वायरस को यूज किया जाए और ये किस टारगेट ग्रुप्स के लिए क्या है, सेफ है, है ना, और इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने की जरूरत है। लेकिन आप यहां पे देखेंगे जब भी किसी को इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया जाता है उसका मतलब है उसने जो पूरा प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस होते हैं, है ना, वो पूरा फॉलो नहीं किया, उसको केवल एक टेम्परेरी अप्रूवल मिला है। तो आप देखोगे कि जेमकोविक के केस में यही हुआ है। अब यहां पे ऑथर आगे बात करते हैं, क्या वो कहते हैं कि हमने COVID-19 के सिचुएशन में ये सब किया क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था। अभी भी आपने जो इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया है इसमें कोई शंका नहीं है, ये देने की जरूरत है क्योंकि WHO ने कहा है कि COVID-19 पैंडेमिक खत्म हो गया है ना, क्या कहा है, COVID-19 पैंडेमिक इज ओवर बट COVID-19 इज नॉट,
पैंडेमिक भले ही नहीं हो रहा, उस स्केल पे हम डेथ या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी भी COVID-19 का थ्रेट है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? ये कहेंगे कि अभी भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। तो इस केस में हमें नए नए वैक्सीन जो ज्यादा एफिशियंट है, ज्यादा सेफ है, है ना, इजी टू डेवलप है एंड जिनको हम स्केल अप कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। बट ऑथर कह रहा है क्योंकि यहां पे आपका COVID-19 पेंडेमिक ओवर हो गया है, लोग जो हैं उनका यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, है ना, जो लोग हैं दे आर नो लॉन्गर ऑब्सेसिव, है ना, अबाउट दी न्यू वेरियंट्स। सो लोगों का जो नए नए वायरस के वेरियंट्स आ रहे हैं उसमें अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले कोई कहता था कि ओमिक्रॉन वेरियंट आ गया, उससे चाइना में इतनी डेथ हो रही है, यूएसए में इतनी डेथ हो रही है, तो वी पीपल वर वेरी मच परप्लेक्स्ड। बट इन दिस केस वॉट इज हैपनिंग, अब जो है लोग जो है वो इतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, किसमें, आपके जो नए वेरियंट्स एमर्ज हो रहे हैं उनमें, या फिर जो नए वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं उनमें। तो हो सकता है जो आपका प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे थे COVID-19 के टाइम पे, भले ही हम इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दे रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज हैं, है ना, दे मे बिकेम लैक्स इन देयर अप्रोच। हो सकता है वो इतना ज्यादा ध्यान न दे अप्रूवल देने से पहले। नाउ दिस विल रेज अ सीरियस क्वेश्चन ऑन द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन, सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन, ये बात की जा रही है ऑथर के द्वारा। और वो क्या कहते हैं, वो इसके अलावा कहते हैं कि इंडिया का जो आपका ड्रग अप्रूवल मैकेनिज्म है वो काफी इन्फेंट स्टेज पे है, इन्फेंट स्टेज पे है। क्या बोलता है यहां पे, वो यहां पे कहता है कि जो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, है ना, उसको काफी कुछ एक्सपीरियंस है, इट हैज बिन, है ना, इट हैज बिन मेनी ईयर्स सिंस FDA has been evaluating the novel drug and vaccine candidates. So, जितने भी novel drugs develop होते हैं या vaccines होते हैं, FDA के पास में यहाँ पे अच्छा खासा एक experience है। But अगर हम India की बात करें, तो what we are seeing, India जो है, it is still in its infancy stage. हम बहुत ही नए हैं इस field के अंदर। So, हमारा जो drug controller general of India है, उसको और जो हमारे mechanisms हैं, है ना, हो सकता है वो appropriate नहीं है emergency use authorization के लिए। तो पहली बात तो यो ये करता है। दूसरा वो क्या कहता है कि इंडिया की अगर आप बात करें, है ना, अगर आप इंडिया की बात करें तो मिसट्रस्ट, आर्बिट्री डेक्री, लेक्स रेगुलेशंस हैव हिस्टोरिकली प्लैग द क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। सो मिसट्रस्ट, है ना, लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं है इंडिया में जो ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है उस पे। और जो अथॉरिटीज का वो होता है, टेक होता है, है ना, उनका जो भी ऑर्डर होता है उसमें भी हमें बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरीनेस देखने को मिलता है, कभी हाँ कर दिया कभी ना कर दिया किसी भी चीज पे सिमिलर सर्कमस्टांसिस में। और दूसरा यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेक्स रेगुलेशंस, हमारे जो रेगुलेशंस हैं उनमें भी सीरियस लूप होल्स हैं। तो यहां पे ऑथर बात कर रहा है कि अच्छी बात है एक नया वैक्सीन डेवलप हो रहा है एक डेडली वेरियंट के अगेंस्ट हो रहा है, जहां पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी देखने को मिल रहा है, इंडिजिनस है, यस, है ना, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बट एट द सेम टाइम इसको इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया गया है, इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन जरूरी है, लेकिन यहां पे अभी पब्लिक की जो स्क्रूटिनी है रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे या नए वायरस जो इमर्ज हो रहे हैं उन पे और जो इसके खिलाफ वैक्सीन वगैरह डेवलप हो रहे हैं वो कितने एफिकेशियस हैं, सेफ हैं, उस पे वो पब्लिक स्क्रूटिनी कहीं ना कहीं कम हो गई है। ऊपर से इंडिया का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जिसने जेम कोविक ओएम को इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया है, वो खुद जो है अभी काफी इन्फेंट स्टेज पे है। ऊपर से ट्रेडिशनली हमारे यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, मिसट्रस्ट, है ना, आर्बिट्रेरी डेक्री, लेक्स रेगुलेशंस, सो इन सबकी वो बात करता है, इन सबकी वो बात करता है। कहते हैं हमारे यहां पर इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन पहले नहीं होता था, आपका जो ये न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स आए 2019 में COVID-19 की सिचुएशन में, उसके बाद में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होने लगा है। सो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, हमें बहुत ज्यादा यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। अब यहां पे ऑथर का जो कंक्लूजन है वो बहुत अच्छा है, वो कहते हैं कि इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना, जो ड्रग सेफ्टी मैकेनिज्म है उसको हमें स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। It needs to be streamlined. किस तरीके से streamlined?
कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू डील विद दी सर्कमस्टांसेस एट हैंड, जैसे कि COVID-19 की सिचुएशन. बट एट द सेम टाइम एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस. While the flexibility to accelerate should always be present, India must specify a streamlined regulatory process that weeds out the non-essential steps. So, जितने भी हमारे यहाँ पे non-essential steps हैं, हम उसको weed out कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. And at the same time, we need to be very, very, very much cautious, hawk-eyed, with regard to the safety and the adverse reaction from the new drugs and the vaccines, ताकि जो public safety है, public health है, उसको हम कहीं पे भी compromise ना करें, ठीक है? So this entire article is related to this. Prelims perspective से आपको mRNA vaccine क्या होता है, basic पहले तो कि vaccine क्या होता है, किस तरीके से vaccine का mechanism काम करता है, mRNA vaccine क्या है, इसमें अच्छा क्या है ना, pros क्या है, इसके cons क्या क्या है, इंडिया में क्या कोई mRNA वैक्सीन डेवलप हुआ है, वो किस टाइप का वैक्सीन है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन का मतलब क्या होता है. एनीवन हु कैन राइट इन द चैट बॉक्स इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन का मतलब क्या होता है फॉर मी, सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, क्या होता है ना. इंडिया में इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन किस एक्ट के या किस रूल्स के अंडर में आता है, तो आपका न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स के अंडर में आता है. कौन ये देता है, तो हमने कहा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन. मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या हो गई, अगेन इंडिया में ड्रग जो रेगुलेशन है, सेफ्टी मैकेनिज्म है, उससे पर्टेनिंग रूल्स रेगुलेशंस है ना, इंस्टीट्यूशंस लॉज, ये सब हो गया. और सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसमें हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, किस तरीके से हमारा ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी हो, नॉन एसेंशियल स्टेप्स को हम वीड आउट कर दें, और साथ ही में वी शुड बी वेरी मच है ना विजिलेंट विद रिगार्ड टू द सेफ्टी ऑफ दिस वायरसेस एंड ऑल्सो द एडवर्स केसेस बींग रिपोर्टेड. पब्लिक स्क्रूटिनी हैज टू बी देयर. क्यों जरूरत है ये, क्योंकि ये आपका जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको बनाए रखती है, पब्लिक ट्रस्ट है ना, और पब्लिक हेल्थ के लिए दीज आर अ मस्ट टू डू स्टेप्स. सो ये जो टर्म मैं यूज कर रही हूं ना, पब्लिक ट्रस्ट है ना, ये सब अगर आप अपने एग्जाम में यूज करोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, क्योंकि ये गवर्नेंस का पार्ट होता है. बिल्कुल पूर्णिमा, यस, किसी ने अभी तक लिखा नहीं, जब कंडीशंस कंट्रोल और इमीडिएट नीड हो तो कॉम्बैट द वायरस. मेरी बात को बच्चों ध्यान से सुनिएगा, प्लीज फोकस हियर, वंस फोकस हियर. आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन का मतलब क्या हुआ, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि COVID-19 की सिचुएशन हुई. अब इसमें अगर हम सारे जो स्टेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के या ड्रग के, उसको फॉलो करने जाएंगे तो लाखों की संख्या में लोग वैसे ही मर जाएंगे. तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर ड्रग को या वैक्सीन को टेम्पररी अप्रूवल दे देते हैं हम लोग, है ना, टेम्पररी अप्रूवल दे देते हैं. और यहां पे हमें ध्यान रखना होता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग या जो वैक्सीन है, इसने सारे जो क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस होते हैं उसको कवर नहीं किया है. इसीलिए जब इसको यूज किया जाए तो आप, यू हैव टू बी विजिलेंट, द पब्लिक, द मीडिया, द लीडर्स, एवरीवन, इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी बॉडीज. क्यों, क्योंकि चांसेस है यहां पे हो सकता है हमें एडवर्स रिजल्ट देखने को मिले, और जितना जल्दी हम विजिलेंट रहेंगे, जितना जल्दी हम स्टेप्स लेंगे, हम उसके एडवर्स जो रिएक्शंस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं. और हमारे जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ अथॉरिटी, ड्रग कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी है, या बाकी जो आपका ड्रग सेफ्टी मैकेनिज्म है ना, वहां पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, दे विल ऑल्सो बी वेरी विजिलेंट बिकॉज द पब्लिक इज देयर. और ये सब क्यों करना है, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक ट्रस्ट जो है उसको मेंटेन करने के लिए. और इंडिया से क्या क्या दिक्कतें हैं वो हमने डिस्कस करी है, ठीक है जी, चलो. बिल्कुल, वेरी गुड, शिवानी है, बिल्कुल ठीक है, पूर्णिमा, विजय, ठीक है गाइस, है ना, थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक बार हम निर्णय आईएएस के बारे में देख लेते हैं. जो निर्णय आईएएस वाला अपना बैच है, इसकी क्लासेस शुरू हो गई है 20 जून से, आप चाहें एनरोल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या टेक्स्ट बुक की ऐप पे जाके सुपर पे क्लिक करो,
यहाँ पे अपने गोल में यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो और फिर ज्वाइन नाउ कर सकते हो। फीचर्स में क्या है मैं ब्रीफ में बताऊंगी आपको, बस यहाँ पे आप देखेंगे सारी आपकी लाइव क्लासेस होंगी जीएस फाउंडेशन की भी जो अभी तक नहीं होती थी, है ना। दूसरा इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड जो बेस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल मिल रहा था वो मिलेगा, आप पे डिपेंड करता है आप यूज करना चाहें। एससी और मेंस आंसर राइटिंग की लाइव क्लासेस हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और साथ ही साथ में आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने टाइम फ्रेम रखा है ताकि बच्चों को जो डाउट्स है वो टाइम पे क्लियर हो जाए उनके। उसके अलावा आप देखोगे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, मेंटोरशिप भी मिल रही है एंड इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस, है ना। तो आप देख सकते हो पूरा एक होलिस्टिक पैकेज है, अगर आप चाहें एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज विल बी टेकिंग योर क्लासेस ओवर हियर। अगर मैं फीस की बात करूं तो आपकी फीस 41,249 है और आपके लिए आपको इसके लिए कूपन कोड यूज करना है सोनप्रिया, तब जाके ये डिस्काउंट मिलेगा। और जिन लोगों के पास ज्यादा है मैं हमेशा कहती हूँ टेक माय अकाउंट नंबर ट्रांसफर इट देयर, ठीक है, फिर मिलके पार्टी करेंगे उससे, ठीक है। इट वाज ऑन अ लाइटर नोट, एनी हाउ यूज द कोड सुपर सोनप्रिया SONPRIYA एंड यू विल गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। सेकेंड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे इस आर्टिकल से ज्यादा मैं आपको जो बाकी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जब आपको आप चाहें तो मेरे साथ में भी लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्योंकि जब हम खुद लिखते हैं आपने आप देखते हो ना, आप बोलते हो ना मैम, देखो मैं सही बताऊं लोगों को क्या लगता है, अभी तक मैं आपको एडटेक सेक्टर का भी अगर मेंटेलिटी बताऊं तो बहुत लोगों को लगता है कि यार यूट्यूब पे जो जनता आ रही है वो इतनी सीरियस नहीं है। मैं आपको सही से बताऊं, है ना, लगता है कि यूट्यूब पे जो लोग आ रहे हैं वो इतने सीरियस नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं पेड बैच के अंदर जो कॉन्टेंट देते हैं वो थोड़ा हायर लेवल का देते हैं, यूपीएससी स्पेसिफिक देते हैं। आपने देखा होगा ऑनलाइन सेक्टर के अंदर यूपीएससी में तो फिर भी थोड़ी सीरियसनेस है, बाकी सेक्टर्स में बहुत सारी जो फैकल्टीज होती हैं, है ना, शायरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड। कभी कभी चलता है ना, थोड़ा बहुत मजाक हो गया, लाइट रखता है माहौल को, लेकिन अगर हम पूरा एजुकेशन को एंटरटेनमेंट बना देंगे तो एजुकेशन का पर्पज़ खत्म हो जाता है। बिकॉज आपका साल का हर मतलब आपका हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या किया जाता है कि जो आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है उतना क्वालिटी कंटेंट कभी कभी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। लगता है कि यार यूट्यूब पे जो जनता है ना वो तो इतना सीरियस कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करेगी, बट अगर चेंज लाना है तो वो हमारी तरफ से भी होगा, एटेक सेक्टर फैकल्टीज की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी होगा। एंड यस मेनी टीचर्स आर देयर जो बहुत क्वालिटी कॉन्टेंट दे रहे हैं ओवर द ईयर्स, है ना, और नए टीचर्स भी आ रहे हैं जो दे रहे हैं आपको। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप ये ध्यान रखें कि आपको कहाँ से क्वालिटी मिल रही है, वहीं पे स्टे कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब यहां पे जब मैं बात कर रही हूं तो आप देखते हो कि मैं टॉपर्स की बात कर रही थी, मैं आपको क्यों टॉपर्स का एग्जांपल दे रही हूं, पता है क्या होता है, जो टॉपर्स होते हैं ना उनकी कुछ बातें आपको ध्यान से रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इस साल के जो रैंक नंबर 1 है उसकी बात सुने तो वो बहुत ही शी इज वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं उनकी बात बताऊं आपको, बिकॉज व्हाट शी सेज कि मैं करंट अफेयर्स के लिए क्या करती थी, तो जो मैंने आपको बताया कि आप कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ लो, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, उसके अलावा आप एक साइट पकड़ लो, जैसे कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हो यहाँ पे तो आपने ये सेशन अटेंड कर लिया और 11:45 वाला सेशन अटेंड कर लिया, उसके बाद में जब मंथली मैगजीन्स आती हैं आप उसको पढ़ सकते हो। अगर आप इस तरीके से अपना अप्रोच फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं, अदरवाइज क्या होगा आप यहाँ पे दो आर्टिकल पढ़ोगे कहीं दो और आर्टिकल पढ़ोगे, है ना, इससे पूरा टाइम आपका यूट्यूब पे खर्च हो जाएगा एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हो सकता है एक साल दो साल आप प्रिपरेशन करें फिर आप मायूस हो जाएंगे, तो ये हमें नहीं करना है, है ना। तो कोशिश करो, वो ये भी कहते हैं आप देखना सुनना बहुत सारे टॉपर्स कि मैं पर्सनली अपने नोट्स हाथ से भी बनाती थी, द रीजन बीइंग कि मैं जब खुद से लिखती हूँ तो मुझे याद रहता है। एंड यस गाइस, अगर आप वो एयरपोर्ट्स वगैरह डाल के नहीं काम कर रहे हैं, है ना, अपने कान में ढक्कन नहीं लगा करके वो म्यूजिक सुनकर काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से किसी शांत जगह पे बैठ के फोकस्ड मैनर में अपना काम कर रहे हैं, भले आप आधे घंटे करें 40 मिनट करें, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं जो लिखते हो ना दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है, एग्जाम हॉल में देखना कभी कभी याद आएगा मैंने इस पन्ने पे ये लिखा था उस दिन ये डेटा, तब जाके आपको अपने खुद के जो नोट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो जब मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ आपको ये गुरु ज्ञान, द रीजन बीइंग यहाँ पे मैं आपको डायस्पोरा वाला डाटा दूंगी, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, है ना, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, मैंने कल वाली पीडीएफ भी शायद अपलोड की थी, हो गई है मोस्टली, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, बट अगर आप खुद से थोड़ा सा डेटा नोट करते हैं कॉपी के अंदर अपनी हैंडराइटिंग में तो देखना वो आप लॉन्ग टाइम तक रिटेन करोगे, तो कीप ऑन मेकिंग इंपॉर्टेंट डेटा नोट्स, ठीक है। चलो साथ में अब इसको देखते हैं, आउटरीच टू डायस्पोरा एंड स्टेट्समैनशिप, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में जो ऑथर है उन्होंने क्या बात करी है। बिल्कुल, जब खुद से लिखते हैं तो नए आइडियाज आते हैं, चलो इसकी बात करते हैं। देखो यहां पे पहले तो ऑथर ने क्या बात करी है वो करेंगे और फिर हम एडिशनल चीजें की बात करेंगे।
यहाँ पे वो कहते हैं कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टैलिन, ये टोक्यो गए और यहाँ पे उन्होंने जो तमिल डायस्पोरा है, यानी बेसिकली जो तमिल लैंड से ओरिजिन वाले लोग हैं, है ना, जो तमिल ओरिजिन के लोग हैं, उनको एड्रेस किया। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा, आप यहां पे देखेंगे सिंगापुर में भी आगे वो जब गए तो उनका यही रवैया रहा। और इनका जो मेन पर्पस था डायस्पोरा जो है उसको एड्रेस करने का, वो था टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑथर यहां पे बात करते हैं कि अगर हम तमिल डायस्पोरा की बात करें तो ये बहुत सारी कंट्रीज में फैले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखोगे कि वो कहते हैं कि मलेशिया, है ना, दे कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सटेंशियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, है ना, यहां पे बहुत अच्छे नंबर्स में है। इसके साथ में म्यांमार, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका, द सेशेल्स, द रीयूनियन आइलैंड, द फिजी, द ट्रिनिडेड एंड टोबेगो है आपका, गुयाना है, सूरीनाम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, द गल्फ कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, और आपकी कनाडा, ब्रिटेन और अदर यूरोपियन कंट्रीज। यानी कि ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट के अंदर तमिलियन पॉपुलेशन का प्रेजेंस है। यूएस, यूके, है ना, आपका ये वेस्ट एशियन, मिडल ईस्ट के अंदर, इसके अलावा आपकी क्या बोलते हैं जो कैरिबियन है ना, कैरिबियन सी है, या फिर आपका जो पैसिफिक ओशन में आइलैंड कंट्रीज हैं, या फिर आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में तमिलियंस का एक अच्छा खासा प्रेजेंस है, ऐसा ऑथर कहते हैं। दूसरा वो क्या कहते हैं, दूसरा वो यहाँ पे कहते हैं कि ये लोग जो हैं, है ना, दे आर डूइंग गुड इन मल्टीपल सेक्टर्स, है ना, सो दे हैव एक्सेल्ड इन मल्टीपल सेक्टर्स इन दीज कंट्रीज। So, एक तो डायस्पोरा का मतलब समझ में आना चाहिए। डायस्पोरा का बेसिक मतलब क्या होता है, अगर हम कहें तमिल डायस्पोरा, इसका मतलब पीपल ऑफ तमिल ओरिजिन, इधर ये इंडियन सिटीजन्स हैं और कहीं पे एनआरआई है ना, एनआरआई स्टेटस है, मतलब कहीं और रहते हैं पर इंडियन सिटीजन है, या आपका जो हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये वाला जो क्राइटेरिया होता है ये वो उसमें फॉल करते हैं। यानी इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो या मतलब ये खुद कभी ना कभी इंडिया के सिटीजन्स रहे होंगे, राइट, सो दे हैव रूट्स इन इंडिया। अगर मैं इंडियन डायस्पोरा कहूं और तमिल मतलब कि तमिल डायस्पोरा, दे आर ऑफ तमिल ओरिजिन, तो इनके एंसेस्टर्स तमिल लैंड से होंगे। अब इनका ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में प्रेजेंस है। सिंगापुर और टोक्यो की जो ये बात करें, यहां पे भी देयर इज अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ तमिलियन पीपल लिविंग। अब ये कहते हैं कि इनसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एम के स्टैलिन जो हैं वो डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, उन्होंने यहाँ पे कहा कि हम जो हैं तमिलियन डायस्पोरा जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो तमिलियन डायस्पोरा का जो इंटरेस्ट है उसको हमेशा तमिलनाडु जो स्टेट है वो प्रमोट करेगा, ऐसा उन्होंने वहां पे प्रॉमिस किया। वो कहते हैं क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है ये काफी अच्छा पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में, आपके लिटरेचर की फील्ड में, फाइन आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, सो ये जो मल्टीपल आपके फील्ड्स हैं यहां पे ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी ये देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में आप क्या देखोगे, वो यहाँ पे आप देखोगे कि इंदिरा नुई का, है ना, सुंदर पिच्चई का, रघुराम राजन का, कमला हरीस का, है ना, डॉक्टर चंद्रशेखर, इन सबके कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। वेल एंड गुड, आपको अपने आंसर्स का कुछ फोर्डर मिल रहा होगा। कैसे, अपने आंसर्स में अगर इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटी के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मल लिखोगे कि इंडियन डायस्पोरा मल्टीपल कंट्रीज में अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे डिफरेंस आपके बीच में या जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके बीच में और टॉपर के बीच में कहाँ पे आता है, टॉपर जो है इसको डेटा लिखेगा, मैं जो आपको डेटा प्रोवाइड करूँगी। दूसरा आप लिखोगे कि वो मल्टीपल फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं जहाँ पे वो, जो उनकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है जहाँ पे वो प्रेजेंटली रह रहे हैं। फिर आप पॉलिटिकल साइंस और ये सब लिखोगे। अब यहाँ पे अगर आपने एग्जांपल्स कोट कर दिए कि किस तरीके से जो इंडियन डायस्पोरा है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर या ग्लोबल स्टेज पे पॉलिटिक्स में, है ना, या इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल फील्ड में आपकी में, या आर्ट्स में या अदर फील्ड्स के अंदर एक्सेल कर रही है, तो आपके आपको ज़्यादा चांसेस है, आपको ज़्यादा बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो उसी तरीके से ऑथर ने भी यहाँ लिखा है। उन्होंने आगे क्या लिखा है, उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो डायस्पोरा होती है उसकी समस्या क्या है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, डायस्पोरा जो होती है वो तीन आइडेंटिटी शेयर कर रही होती है,
फॉर दिस पर्टिकुलर तमिल डायस्पोरा की अगर हम बात करें दिस पर्टिकुलर केस, तो आप क्या देखोगे, उनकी तमिलियन आइडेंटिटी एक है, फिर उनकी इंडियन आइडेंटिटी है, और फिर थर्ड आइडेंटिटी उनकी क्या है, जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वो है द कंट्री वेयर दे हैव सेटल्ड। तीन आइडेंटिटीज है उनकी। अब जो हमारी डायस्पोरिक कम्युनिटी है वो कहते हैं ये कोई एक सिंगल ग्रुप नहीं है। आप जैसे कि डायस्पोरा को एक सिंगल ग्रुप में फिट कर देते हो, वैसा नहीं है। तो एक इंडियन डायस्पोरा मल्टीपल कंट्रीज में अक्रॉस द कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है, डिफरेंट फील्ड्स में एक्सेल भी कर रही है, अच्छा भी परफॉर्म कर रही है। डायस्पोरिक कम्युनिटी के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इंडियन तमिल्स के बारे में बताती हूँ, है ना। श्रीलंका में तमिल्स जो है उनका एथनिक परसिक्यूशन होता है, तो वहां पे डोमिनेंट कम्युनिटी कौन सी है, सिन्हाला बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। और तमिल्स जो आपके नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में रहते हैं उनका परसिक्यूशन जो है वो हिस्टोरिकली चला आ रहा है। सो जब हम डायस्पोरा को देखते हैं तो हमें यही नहीं देखना कि डायस्पोरा हमें क्या दे रही है, डायस्पोरा के कुछ इश्यूज हैं। अगर हमें डायस्पोरिक कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए तो हमें ये जो हमारी माइनॉरिटी डायस्पोरिक कम्युनिटी है जो कहीं ना कहीं सफर भी कर रही है उसके इश्यूज को भी रेज करना पड़ता है, राइट। यहां पे डायस्पोरिक कम्युनिटी का भी अपना एक डिलीमा होता है। एक जैसे कि मैं इंडियन अमेरिकन का एग्जाम्पल दू, तो ऑब्वियसली वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में जो कुछ होता है डायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनके ऊपर इंपैक्ट करता है, तो वो जहां रह रहे हैं उस कंट्री का भी उनको इंटरेस्ट सोचना पड़ता है। हमारे पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि वो हमारे कल्चर के हार्बिंजर्स हैं वहां पे, है ना, वो हमारे कल्चर के वहां पे रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो आपने देखा होगा कि वहां पे अगर आप देखो अमेरिका जाओगे, है ना, या किसी और कंट्री में भी जाओगे, तो जैसे कि अगर आप जगन्नाथ यात्रा अभी यहां पे इंडिया में देख रहे थे उड़ीसा में, वहां पे भी जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही थी। अलग अलग आप यूरोप में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, आप अमेरिका में देख लो, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की जो सॉफ्ट पावर होती है ना, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, उसके टूल्स हैं, हमारी कल्चर को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इंडिया के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उसके अगेंस्ट ये एक पावरफुल वॉइस है। ऊपर से क्योंकि ये अपने वहां पे डिफरेंट फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं, काफी इंफ्लुएंशियल पोजीशंस पे हैं, तो इनकी जो गवर्नमेंट है वहां पे उसके भी डिसीजंस पे इनका काफी ज्यादा प्रभाव होता है ना, काफी हद तक ये उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वहां की गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है विद रिगार्ड टू इंडिया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेमिटेंसेस सेंड करते हैं, आपको देखा होगा बहुत सारे इंडियंस जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाते हैं वहां पे काम करते हैं और हमारे यहां पे रेमिटेंसेस सेंड करते हैं। आपको यह भी पता होगा कि अगर मैं डायस्पोरिक कम्युनिटी की बात करूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हम डायस्पोरिक कम्युनिटी की बात करें तो अभी वैभव स्कीम हम लेके आए थे थोड़े दिन पहले, हम डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स की क्लास में, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो इंडियंस हैं, है ना, जो इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटी है जो अपनी उन कंट्रीज में जहां पे वो सेटल्ड हैं, जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मल्टीपल फील्ड्स के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ में जो इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोलैबोरेशन हम लोग एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो डायस्पोरिक कम्युनिटी को कुछ जैसे कि स्टाइपेंड हो गया, अदर बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और उनका जो एक्सीलेंस है R&D के अंदर वो यहां पे हमारे इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफर करेंगे। तो डायस्पोरिक कम्युनिटी का हम मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर यूज कर सकते हैं, है ना, उनका उनका जो एक्सीलेंस है उसको हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहां पे आप एक ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं, ठीक है, ये सब है बेनिफिट। इसके अलावा वो यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के अंदर, है ना, कुछ लोग बिजनेसेस सेटअप करते हैं इंडिया के अंदर, तो हमारी इकोनॉमी को, ओ, हमारा जो ट्रेड है उसके लिए भी काफी अच्छा है। ऑल दिस थिंग्स अपार्ट, वन थिंग इज स्टेट जो होता है, यहां पे ऑथर का कहना है कि देखो हमें है डायस्पोरिक कम्युनिटी से मल्टीपल बेनिफिट, इन दिस केस तमिल डायस्पोरा से भी है, स्पेशली जहां पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है वहां पे। लेकिन ध्यान रखना है स्टेट जो होता है उसका जो से होता है वो बहुत कम होता है जहां तक आपका डायस्पोरा जो है वो कंसर्न्ड है। डायस्पोरिक कम्युनिटी के रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स होते हैं उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका ज्यादा से होता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ बायलेटरल नेगोशिएशंस के अंडर फॉल करता है, बायलेटरल रिलेशंस में। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दूं, अगर श्रीलंका में तमिल्स जो हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स का इशू है ये हमें रेस करना है
तो कोई स्टेट का सीएम जाके रेज नहीं करता। कौन रेज करता है? हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होंगे, या अदर जो डिग्नेटरीज हैं, जो ऑथोराइज्ड पर्सन हैं, वो बात करता है जो कंसर्न्ड कंट्री है, इन दिस केस श्रीलंका, उनकी गवर्नमेंट से, उनकी अथॉरिटीज से। तो यहाँ पे ऑफिशियल चैनल चलते हैं और जो हम कहते हैं 1.5x चैनल, या मतलब जिसमें डिप्लोमेसी आपके ऑफिशियल्स भी होते हैं, नॉन ऑफिशियल्स भी होते हैं, है ना, या बैक चैनल्स जिसको हम कहते हैं, जहां पे केवल आपका नॉन ऑफिशियल नेगोशिएशंस चलता होता है। तो ये सब रूट्स हम यूज करते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का से होता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर सकती है। जैसे कि अगर तमिल्स के साथ में श्रीलंका में सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो ज्यादा से ज्यादा तमिल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, वो वहां के लोगों के अंदर इस पर्टिकुलर इशू को रेस करेगी, वहां पे पब्लिक ओपिनियन डेवलप करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, वो उस पर्टिकुलर जो कंट्री है बायलेटरल नेगोशिएशंस में इस इशू को रेस कर सकती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। यहां पे ऑथर का कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पे डायस्पोरा के इशू में कन्फ्रंटेशन से ज्यादा कंसेंसस की जरूरत है, कंसेंसस की जरूरत है। क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी हम बायलेटरल नेगोशिएशंस करते हैं तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? एक, आप जिस कंट्री से डील कर रहे हैं उसके साथ में आपके पॉलिटिकल रिलेशंस लॉन्ग टर्म में, है ना, पॉलिटिकल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के पक्ष में होते हैं। दूसरा होता है कि वहां की जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को रेज करना। और ऑथर यहां पे कहते हैं कि बहुत टाइम आपको हिस्टोरिकली ऐसा देखने को मिलेगा कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डायस्पोरा के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया है नेशनल इंटरेस्ट, या जो अदर कंट्री है उसके साथ में अपने बायलेटरल रिलेशंस को खराब न करने के लिए, खराब न करने के लिए। सो सबसे पहले अगर आपके आपको डायस्पोरा के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो आप जहां जिस कंट्री में आपकी डायस्पोरा प्रेजेंट है पहले उसके डेमोग्राफी को समझो। वो कहते हैं कि डायस्पोरा कोई होमोजेनिक ग्रुप नहीं है, डायस्पोरा इज नॉट अ होमोजेनिक ग्रुप। आप यहां पे क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि उनकी जो है ना प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो इंटरेस्ट हैं they are not identical, उनके इंटरेस्ट या उनके जो कंसर्न्स हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ देयर माइग्रेशन, वो किन कंडीशंस में माइग्रेट होके गए हैं। आप एजुकेशनल पर्पस से वहां पे गए, मतलब हो सकता है किसी कंट्री में हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा हों, राइट, किसी कंट्री में हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा हों, किसी कंट्री में आप क्या देख सकते हैं, किसी कंट्री में आप देख सकते हैं कि हमारी जो डायस्पोरा है वो काफी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल हो। हो सकता है कहीं पे हमारे डायस्पोरा जो है वो काफी माइनॉरिटी में हो और एक्सप्लॉयटेड हो। मिडल ईस्ट देख लो, आप यहां पे देख लो, श्रीलंका में देख लो। तो डिपेंड करता है कि उनका माइग्रेशन क्या है, वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है वहां पे, उनका एजुकेशनल और प्रोफेशनल स्टेटस कितना है, उनका इकोनॉमिक क्लाउड कितना है, और वो जो पर्टिकुलर कंट्री है उसमें ये माइनॉरिटी मेजोरिटी वाला खेल कितना पावरफुल है। तो आप ये मत करो कि डायस्पोरा बोल के सबको एक होमोजेनिक ग्रुप में डाल दो। ये सारी चीजें आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पता है ना, ठीक है। सो डायस्पोरा इज नॉट ए होमोजेनिक ग्रुप, देयर प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट आर नॉट आइडेंटिकल। सो व्हेन द इंडियन स्टेट इज फॉर्मुलेटिंग इट्स डायस्पोरा पॉलिसी इट नीड्स टू टेक ऑल दीज फैक्टर्स इन टू कंसिडरेशन। The state governments need to be aware of the fact that उनको central government के साथ consensus में काम करना है, मिलजुल के काम करना है, rather than confrontation। क्यों? क्योंकि किसी country के साथ में हमारे bilateral relations कैसे हैं उस पर depend करेगा कि हम उनको अपनी diaspora को लेकर के जो concerns raise करेंगे वो कितना address करेंगे। और bilateral relations को कौन define करता है? Central government define करती है। वो कहते हैं कि तमिलनाडु हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से डायस्पोरा के इशू को लेके कन्फ्रंटेशन मोड में होती है। शायद यही रीजन रहा कि आपका, एक मिनट दीजिए, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो वहां पे
persecuted minority शब्द यूज नहीं किया हमने, हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि इन 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 कंट्रीज से हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट है ना, और क्रिश्चियंस ये आ सकते हैं। श्रीलंका जो है वो उन कंट्रीज की लिस्ट में भी नहीं है, जबकि तमिल माइनॉरिटी जो है वो सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड है श्रीलंका के अंदर। तो एक एग्जाम्पल है ना, कॉर्डियल रिलेशंस आर नीडेड नॉट कन्फ्रंटेशन। ये बात उन्होंने करी। फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल ये भी दिए कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कभी कभी डायस्पोरा के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करती है। यहां पे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और उस टाइम पे आपकी जो पीएम है श्रीलंका की है ना बंदर नायका, उनके साथ के अंदर जो पैक्ट साइन किया 1964 का उसको मेंशन किया है। एनीवन जिसको इस पैक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, 1964 का पैक्ट क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कोई किताब आपको ये सब लिख के नहीं देगी। एडिटोरियल पढ़ के आप देख रहे हो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। गाइस क्विकली प्लीज, परसिक्यूटेड मतलब जहां पे जिनके साथ में सही तरीके का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिनको राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं है ना, जिनको पॉलिटिकल राइट नहीं है, जैसे कि अगर या फिर उनको इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है उनकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में। मैं बताती हूं, यहां पे ध्यान से सुनो, इस पर्टिकुलर पैक्ट में क्या था, श्रीलंकन तमिल्स के सिटीजनशिप का इशू था। इंडियन गवर्नमेंट नेहरू जी के टाइम से कहती आ रही थी क्योंकि ये जो तमिलियंस हैं ये ब्रिटिश टाइम पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह लेके ले जाए गए थे और ये काफी लंबे समय से वहां पे रह रहे हैं, तो इनको सिटीजनशिप राइट्स जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए। श्रीलंका की गवर्नमेंट के अपने कंसर्न्स थे, तो फिर एक पैक्ट साइन किया गया। और इस पैक्ट में क्या किया गया पता है, कहा गया कि जितने भी श्रीलंका में तमिलियंस प्रेजेंट हैं उनमें से कुछ नंबर को हम इंडिया भेज देंगे, कुछ को श्रीलंका की सिटीजनशिप दी जाएगी और कुछ को चॉइस दी जाएगी कि आप श्रीलंका की सिटीजनशिप चाहते हैं कि इंडिया की। बट वहां पे तमिलियन जो लोग हैं श्रीलंका में, उनका कहना था कि हम कितने सालों से यहीं पे रह रहे हैं, सो हम सबको आप श्रीलंका की सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो तमिल कम्युनिटी है ना, उसको इंडियन गवर्नमेंट जो है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज बींग यूज एज ए मर्चेंडाइज, किसी कमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा था। पूरे आर्टिकल में मिलजुल करके बात यह निकलती है, डायस्पोरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट डायस्पोरा जो है वो कोई होमोजेनिक कम्युनिटी नहीं है ना, मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उनकी क्या इंटरेस्ट है और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें ध्यान रखना होगा। स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर सकती है ज्यादा से ज्यादा डायस्पोरा के सपोर्ट में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कॉर्डियल रिलेशंस कंसेंसस डेवलप करना होगा अगर रियल सेंस में आप डायस्पोरिक कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स उसको एड्रेस करना चाहते हैं। और डायस्पोरा के जो प्रॉब्लम्स उसको एड्रेस करने के लिए भी देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि बायलेटरल रिलेशंस किस कंट्री के साथ में कैसे हैं हमारे, और नेशनल इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं रेदर देन डायस्पोरिक इंटरेस्ट को। आगे वो यहां पे क्या बात करते हैं, वो यहां पे कहते हैं कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की नहीं स्टेट्समैनशिप की जरूरत है। तो आप जाके प्रॉमिस करके आ सकते हो कि हम तमिल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, बट स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा कुछ से होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ओपिनियन डेवलप कर पा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। चलो ठीक है, बाकी सारी बात सही, आपको डायस्पोरा के बारे में थोड़ा सा डेटा दे देती हूं और फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करेंगे। अगर हम इंडियन डायस्पोरा के बारे में देखें तो आप यहां पे क्या देखते हो, सबसे पहले डायस्पोरा टर्म का मतलब देखो, तो डायस्पोरा टर्म का जो रूट्स है वो ग्रीक वर्ड डायस्पेरो उसके अंदर है, जिसका मतलब होता है डिस्पर्शन। यानी अगर मैं इंडियन डायस्पोरा की बात करूं, यानी कि इंडियंस जो कि डिस्पर्स्ड हैं अदर कंट्रीज में, तो हो सकता है ये इंडियन सिटीजन हो या फिर ये ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। आपका आज का एक होमवर्क है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, रिसेंट में क्या चेंजेस हमको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिला है PIO एंड OCI की डेफिनेशन के अंदर। ये आपका फर्स्ट होमवर्क है, पॉलिटी से कंसर्न्ड है सिटीजनशिप चैप्टर का, पढ़ लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा यहां पे आप क्या देखोगे कि एक आपको गिरमितिया
सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए जो आप हिस्ट्री में इंडेंचर्ड लेबर के रूप में पढ़ते हैं। और आपको पता होगा यूपीएससी ने मेंस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा है इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के बारे में। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो बहुत सारी जो इंडियन डायस्पोरा है वो किस तरीके से बाहर की कंट्रीज में पहुंची, स्पेशली आपके ईस्ट पैसिफिक है ना और आपके कैरिबियन आइलैंड्स में। तो इनको जो गिरमिटिया सिस्टम या जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम है उसके वाया ले जाया गया था, उसके वाया ले जाया गया था। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था, और स्लेवरी को जब एबॉलिश किया गया तो ट्रेडिशनली जो लोग स्लेव्स की तरह काम करते थे या बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते थे दे सडनली बिकेम जॉबलेस, और अब इनको ब्रिटिशर्स यूज कर सकते थे अपने कैरिबियन प्लांटेशंस के अंदर और अपने ईस्टर्न पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर जो उनकी टेरिटरी है उसमें यूज कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह। तो यहां पे ऐसे ये पहुंचे। दूसरा आप यहां पे क्या देखेंगे कि आपका जो सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन है ना, सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा कि सिंगापुर और मलेशिया ये लोग गए फार्म्स वगैरह में काम करने के लिए। इसके बाद आप क्या देखोगे कि जो थर्ड और फोर्थ वेव हमको देखने को मिली उसमें हमारे यहां से प्रोफेशनल्स गए, तो फर्स्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर गए हैं, फिर कुछ लोग फार्म यानी मैनुअल लेबर के लिए गए हैं, फिर हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो प्रोफेशनल्स हैं है ना दे आर ऑल्सो मूविंग टू द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड बहुत सारे हमारे जो वर्कर्स हैं ये आपके गल्फ और वेस्ट एशियन कंट्रीज में जा रहे हैं। ऑयल आपका जो ऑयल बूम हुआ वेस्ट में मिडिल ईस्ट के अंदर उसके चलते हैं। तो ये कुछ वेव्स हैं, आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी धीरे धीरे स्प्रेड कैसे हुई है। सो पहला हम क्या देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह, फिर फार्म्स में काम करने के लिए, उसके बाद में ऑयल बूम के चलते मिडिल ईस्ट में, और प्रोफेशनल्स जो हैं या जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के पर्पसेस से वो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज में भी पहुंचे। तो डायस्पोरा किस तरीके से माइग्रेट कर रही है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उसका पर्पस क्या था माइग्रेशन का, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, डाइवर्स फैक्टर्स, और जब डायस्पोरा के रिलेटेड पॉलिसी बनाओ तो इस पर फोकस करो। नाउ कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो रिसेंट रिपोर्ट थी है ना, अच्छा एक और आपका सेकेंड क्वेश्चन जो आपका 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया वो कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था इन टर्म्स ऑफ नंबर 16, 17, 18 व्हाट, और इसका थीम क्या था? क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम में मेंस के अंदर इस टाइप का लिखते हो तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यस बिल्कुल श्रीनिधि है ना, डायस्पोरा कम्युनिटी माइग्रेटेड इन मल्टीपल स्टेजेस और इनका इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस उनका इन्फ्लुएंस है ना सब कुछ अलग है। अब हम नंबर्स को देखते हैं। यहां पे आप यहां पे देखेंगे कि आपका December 31, 2021 का अगर हम डेटा देखें तो इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटी जो है इट इज 4.7 करोड़ इन नंबर, और आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है उसकी जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आई है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग आप क्या देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जो इंडियंस हैं दे आर द लार्जेस्ट एमिग्रेंट पॉपुलेशन। तो जो डिफरेंट कंट्रीज के डायस्पोरा है उसमें से इंडियन डायस्पोरा सबसे लार्जेस्ट है, 4.7 करोड़ की साइज है उसकी। और आप यहां पे क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि ये अगर आप देखो है ना मैक्सिको रशिया चाइना हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा हमसे कम है। हमारी जो डायस्पोरा है वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है मल्टीपल कंट्रीज में, 4.7 करोड़ है, काफी डाइवर्स है ये डायस्पोरा हमारा, वी आर द लार्जेस्ट डायस्पोरिक कम्युनिटी, वी हैव द लार्जेस्ट डायस्पोरिक कम्युनिटी। उसके बाद में आपके मैक्सिकन्स आते हैं, फिर रशियंस आते हैं, फिर चाइना आता है अगर हम डायस्पोरा के नंबर्स में देखें तो। ज्योग्राफिकल स्प्रेड की अगर हम बात करें है ना, मैंने आपको बताया किस तरीके से सबसे ज्यादा आपके यूनाइटेड स्टेट्स, देखो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जब आप 2024 का एग्जाम देने जाओगे ना तो 9 जनवरी 2024 को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होगा, तो रिपोर्ट्स आएंगी, न्यूज़पेपर कवर करेगा, तो आप क्या करेंगे, आप जो हैं आप इस डेटा को थोड़ा सा वहां देखना फिर कि अभी तो इंडिया टॉप पे है, मैक्सिको सेकंड पे है, रशिया थर्ड पे है, चाइना फोर्थ पे है इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द डायस्पोरिक पॉपुलेशन।
किस कंट्री में हाईएस्ट है, तो इंडियंस के बारे में अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फिर आपका यूएई, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, कुवैत, कनाडा। सो टॉप कंट्रीज कौन सी है, टॉप 2-3-4 कंट्रीज, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यूएसए में सबसे ज्यादा है। अगर हम रेमिटेंसेस के टर्म में देखें तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। आप इसमें क्या देखोगे, ये रिपोर्ट 2022 की कहती है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ सिंगल कंट्री इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू रिसीव मोर देन $100 billion इन अ ईयरली रेमिटेंस। सो रेमिटेंस की साइज देख रहे हो, $100 billion एक पर्टिकुलर ईयर में। सो इंडिया टॉप पे रेमिटेंसेस में भी। सो वी हैव द लार्जेस्ट डायस्पोरिक कम्युनिटी, इंडिया इज इन द टॉप रैंक एज फार एज द रेमिटेंसेस फ्रॉम द डायस्पोरिक कम्युनिटी इज कंसर्न। उसके बाद कौन आता है, फिर चाइना सेकंड पे आता है, मैक्सिको थर्ड पे, फिलीपींस एंड इजिप्ट आपके फिफ्थ पे आते हैं। आप देखो कि जो हमारी डायस्पोरिक कम्युनिटी है ये पॉलिटिकली काफी इन्फ्लुएंशियल है ना, यूएस में, यूके में। दिस इज द रीजन पीएम दो दो सबमिट कर रहे हैं उनके साथ में जाके, डायस्पोरिक कम्युनिटी के साथ में दो दो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट। और आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री ऑन फॉरेन सॉइल, हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टूल है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, R&D में अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया को ग्लोबल स्केल पे लेके जा रहे हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहे हैं, है ना, रेमिटेंसेस में मनी सेंड कर रहे हैं, कंट्री के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में ये हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टूल है। दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया ऑन द फॉरेन सॉइल। अदर देन दिस व्हाट, ये हमारे प्रोडक्ट्स को वहां पे, है ना, जैसे कि इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसको वहां पे फेमिलराइज कौन करेगा, इंडियंस, कि चलो आज आपको ना करी बना के खिलाता हूं, एंड देन पीपल विल सडनली डेवलप अ टेस्ट फॉर दैट। हो सकता है उसको फिर आप इंडियन, इसी तरीके से और भी जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसका आप वहां पे मार्केट क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां पे क्या देखेंगे, जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ना, उसको काउंटर करने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। सो दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल गो टू द थर्ड आर्टिकल, मणिपुर। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर फिंगर पॉइंटिंग, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर द फिंगर पॉइंटिंग। इतना सबको क्लियर है गाइज। सो यहां पे पूर्णिमा आंसर कर रही है कि मैम ये 17th प्रवासी भारतीय दिवस था, और यहां पे आपका जो थीम था, दिस वॉज डायस्पोरा रिलेबल प्रोग्रेस फॉर इंडिया प्रोग्रेस, डायस्पोरा का इंडिया के अमृत काल में क्या रोल रहेगा, राइट। यार ऐसे नहीं होता, ऐसे ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं देते कि आम लोगों के लिए फायदा नहीं होता है, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आता है लाइक करते रहिएगा। चलो इसको देख लेते हैं फटाफट से, प्लीज गाइस, आई हैव 10 मिनट्स एंड आई नीड टू वाइंड इट अप, है ना, जल्दी से चलो आप फोकस करो। ये थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फोर्थ आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है शुरू में ही कि किस तरीके से भले ही पटना में हमें अपोजिशन पार्टी के बीच में एक यूनिटी देखने को मिल रही है, सारी अपोजिशन पार्टीज दे आर कमिंग ऑन सिंगल एज अ सिंगल फ्रंट, बट दिक्कत क्या है, इनमें कोई भी आइडियोलॉजिकल सिनर्जी नहीं है, विचारधाराओं में बहुत मतभेद है, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है। और ऐसे में इनके जो कैलकुलेशंस हैं कि हमारे सारे सपोर्टर्स, हमारा जो कॉमन कैंडिडेट है उसके लिए वोट करेंगे, है ना, दिस विल बी बिलाइड, ये गलत प्रूव हो जाएगा। पहले तो एक सिंगल कैंडिडेट को नॉमिनेट करना ही इनके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे कंपल्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहती। और दूसरा आप क्या देखोगे कि पीपल जनरली, अगर कोई जनता दल यूनाइटेड के लिए वोट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आम आदमी पार्टी के लिए भी वोट करे। ऑथर का सजेशन क्या है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, है ना, सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस पे आप कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो, सेक्युलरिज्म को लेकर के आपका जो धर्मनिरपेक्षता है उसको लेकर के आप अगर सेम लाइन पे हैं, या नेक्स्ट जो प्रोग्राम होने वाला है आपका, आप अगर उस पे सेम लाइन पे हैं, देन देयर इज अ चांस कि आप जो ये NDA गवर्नमेंट है ना, उसको आप डिफीट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो इसको, और स्टेटस क्वोइज्म को आप चैलेंज कर सकते हो। तो दैट इज ओनली अप टू दैट, कि केवल एक अपोजिशन होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस अपोजिशन शुड हैव सम स्ट्रेंथ, राइट। चलिए मणिपुर, दिस इज नॉट द टाइम फॉर फिंगर पॉइंटिंग। अब आपको बहुत टाइम से यह पता है कि मणिपुर के अंदर अगर हम देखें तो जो दो टू इंपॉर्टेंट एथनिक कम्युनिटीज हैं, कुकीज और मेतीज,
इनके बीच में कम्युनल क्लैशेस, एथनिक वायलेंस जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आपको बताया था रिसेंट में जो ये वायलेंस देखने को मिली, इसका मेजर इशू क्या था? मेतेई कम्युनिटी जो है वो एसटी स्टेटस चाहती है। मैंने अपने लेक्चर में आपको ये भी बताया था किस तरीके से एसटी स्टेटस किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिलता है। लेकिन आप क्या देखेंगे कि जो कुकीज हैं, जो नागाज हैं, जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं जिनको एसटी स्टेटस ऑलरेडी है, ये एक मार्च निकाल रहे थे, एक प्रोटेस्ट निकाल रहे थे अगेंस्ट व्हाट द डिमांड ऑफ द मेतेईज फॉर एसटी स्टेटस। और आपको पता है यहां पे जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को चैलेंज किया जा रहा है ना? तो अब दे वर एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायलेंस। और जो एक कम्युनिटी है मेतेई है, दे फील कि उनको हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट किया गया है मणिपुर के स्टेट के अंदर। अगर मैं यहां पे आपको डेटा बताऊं तो मैंने आपको इंटरनेट शटडाउन के बारे में बताया था, है ना? 2 महीने से कुछ इंटरनेट शटडाउन है, और जिसका कितना ज्यादा आपकी नॉर्मल लाइफ पे, आपकी इकोनॉमिक लाइफ पे, स्टूडेंट्स के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, मल्टीपल सेक्टर्स पे इंपैक्ट पड़ता है नेगेटिव। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप देखोगे कि रिपोर्ट्स, जो रिपोर्टेड डेथ है ना, 120 पीपल हैव ऑलरेडी डाइड, बहुत सारे लोग मस्ट हैव बीन इंजर्ड। इसके अलावा पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, उनकी लाइफ जो है इट हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द गेयर, 45,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। इस स्केल पे वायलेंस हो रही है, न सिविल सोसाइटी, न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, न गवर्नमेंट ऑफ द डे, इन्होंने कोई भी इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया है, है ना, जो कि ग्राउंड पे हमें रिजल्ट दिखाए और ये जो वायलेंस है इसको कर्ब करने में और नॉर्मलसी पे वापस जाने में हेल्प करे। ऑथर का यहां पे क्या कहना है, मैं फिर आपको थोड़ा सा जाऊंगी हिस्टोरिकल। ऑथर का यहां पे क्या कहना है, उनका यहां पे कहना है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो अपना एडामेंट स्टांस ले रखा है ना, दे हैव टू रिलैक्स देयर पॉलिटिकल पोस्चर्स। एंड यहां पे क्या कहा गया है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग मस्ट एंड सो दैट ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट थिएटर, नॉट जस्ट द कुकीज और द मेतेईज, ऑल कैन सिट डाउन टूगेदर टू इवॉल्व अ वे फॉरवर्ड विद कंसेंसस। सो नॉर्मलसी पे जाने की जरूरत है, और उसके लिए क्या करना होगा, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सिविल सोसाइटी है या कम्युनिटीज हैं, उनका जो पोस्चरिंग है, जो एडामेंसी है, उसमें उनको रिलैक्स करना होगा। एंड फिर सारे स्टेक होल्डर्स, नॉट ओनली कुकीज और मेतेईज, नागाज भी हैं और भी लोग हैं, उन सबको आप यहां पे इंक्लूड कीजिए, नेगोशिएशंस कीजिए, और फिर जाकर के आप जो है कंसेंसस डेवलप कीजिए। कंसेंसस मतलब सर्वसहमति, और फिर आगे चल के प्रोग्रेस कीजिए। क्योंकि हिस्टोरिकली क्या हुआ है कि मेतेईज और कुकीज दोनों के अपने अपने ग्रीवांसेस रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है ना, इट हैज फेल्ड टू टेक एनी इफेक्टिव स्टेप टू ऑले देयर फियर्स और टू रिजॉल्व देयर ग्रीवांसेस, और उसी का रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। उनका कहना है यहां पे राइटर का कि जो आप मणिपुर के अंदर कम्युनल क्लैशेस देख रहे हो, एथनिक वायलेंस देख रहे हो, इसका ज्योग्राफिकल रीजन है और इसका हिस्टोरिकल रीजन है। ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, हिली एरिया में जो कुछ होगा वो आपके वेली वाले एरिया को इंपैक्ट करेगा। मैंने आपको उस दिन एक डेटा बताया था कि मणिपुर में ये जो वेली घाटी वाला रीजन है, इसमें आपके कौन रहते हैं, मेतेईज रहते हैं, और ये पॉपुलेशन का 50% से भी ज्यादा हिस्सा फॉर्म करते हैं, लेकिन वेली का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, केवल 10%। आपका आसपास वाला जो एरिया है वहां पे आप क्या देखते हैं, वहां पे आप देखते हैं हिली ट्राइब्स रहते हैं, और ये मणिपुर की ज्योग्राफी का 90% हिस्सा है जहां पे उनके पॉपुलेशन का बहुत कम, म्यूनिस्कल जो लोग हैं वो लोग रह रहे हैं। अगर आप हिली एरिया में कुछ भी करते हैं तो डाउनस्ट्रीम्स का इंपैक्ट होता है। ऊपर से मेतेईज को क्या लगता है, हिस्टोरिकली उनको लगता है कि ये उनका ही एरिया था, नागास की मणिपुर के स्टेट पे बहुत ज्यादा रेड होती थी, तो कुकीज को यहां पे म्यांमार से लाके इंट्रोड्यूस किया गया एक बफर स्टेट की तरह, बिटवीन होम द मेतेई पीपल एंड द नागास, इनके बीच में ये बफर स्टेट का काम करने के लिए कुकीज लाए गए थे। उनका कहना है कि आजादी के टाइम पे हमें एसटी स्टेटस नहीं दिया गया, जनरल में रखा गया, फिर ज्यादा डिमांड की तो ओबीसी में, बल्कि हम इंडिजिनस ट्राइब्स हैं।
सो हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हुआ ये सही नहीं है। ऑथर यहाँ पे कहते हैं इसके लिए ब्रिटिश पॉलिसीज जो है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, उसके लिए ब्रिटिश जो पॉलिसीज है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। ब्रिटिशर्स ने असम में भी यही किया था। आपका जो फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ 1824-1826, उसके बाद में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बाय 1830s इन्होंने असम जो है उसको कैप्चर कर लिया था, स्टेट ऑफ असम को। और फिर क्या किया, असम के अंदर भी जो आपका वेली एरिया है उसको हिली एरिया से सेग्रीगेट कर दिया। हिली एरिया में इनका कहना था ट्राइब्स रहते हैं, नोमेडिक पीपल है, प्रिमिटिव है। सो हमारा फोकस एरिया रहे कि हम इस पे कंसंट्रेट करें और इनकी लाइफ जो चल रही है वो चलने दें। तो यहां पे इनका कहना था हम सिविलाइजेशन को प्रिमिटिव जो लोग हैं उनसे सेपरेट कर रहे हैं। इनके मणिपुर के अंदर भी कुछ ऐसी ही पॉलिसी रही, इन्होंने ट्राइब्स को सेपरेट कर दिया आपके वेली पीपल से। सो ज्योग्राफिकल रीजंस हैं कॉन्फ्लिक्ट के, हिस्टोरिकल रीजंस हैं, और प्रेजेंट में अगर हम देखें तो जो आपका एसटी स्टेटस है उससे जो बेनिफिट्स आते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट या आपके एजुकेशनल बेनिफिट, उसको आई करती है मेतेई कम्युनिटी भी, जिसको लगता है हिस्टोरिकली उसके साथ गलत हुआ है। तो यहां पे उन्होंने कहा मेतेई के जो ग्रीवांसेस हैं है ना, उसको भी आप एड्रेस करो, उसको आप साइडलाइन मत करो जो हमेशा से आप करते आए हो। दे हैव बीन कन्फाइंड टू दिस पर्टिकुलर वेली एरिया जहां पे वो सफोकेटेड फील करते हैं। दूसरा फिर यहां पे वो क्या कहते हैं, कुकीज की बात करते हैं, और कुकीज के लिए क्या कहते हैं कि कुकीज का साथ में भी जो बहुत ज्यादा स्टेट का एटीट्यूड रहा है वो ह्यूमिलिएटिंग रहा है ना, ह्यूमिलिएटिंग रहा है, उनका परसिक्यूशन हुआ है। स्टेट की जो पॉलिसी है कुकीज की तरफ वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्यों, क्योंकि मेतेई कम्युनिटी डोमिनेंट है वहां पे। तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से है ना गवर्नमेंट जो है यहां पे पॉपी प्लांटेशन, मैंने आपको कहा था हिली एरियाज में इलीगल पॉपी कल्टीवेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो जिस तरीके से पॉपी प्लांटेशन है उसके खिलाफ गवर्नमेंट जो है वो ड्राइव्स कैरी आउट कर रही है, या जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है यहां पे म्यांमार से उसके खिलाफ आपके एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की बात हो रही है, या रिजर्व फॉरेस्ट में कुकीज ने जिस तरीके से अपने हैबिटेशंस बनाए हैं या उसको पॉपी कल्टीवेशन के अंडर में लेके आए हैं, उसके खिलाफ गवर्नमेंट का जितना भी जो भी पॉलिसीज है या रवैया है वो ऐसा नहीं है कि कुछ पॉजिटिव फ्रंट पे लेके आए हैं। मोस्टली कैसा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई आप उनसे बदला निकाल रहे हो। इट हैज बीन वेरी ह्यूमिलिएटिंग, इट हैज बीन वेरी इनसेंसिटिव। सो कुकीज के भी ग्रीवांसेस हैं, मेतेई के भी ग्रीवांसेस हैं। यहां पे उनका क्या कहना है, द रिटर्न टू द नॉर्मलिटी शुड बी द प्रायोरिटी। अब ये टाइम नहीं है, वायलेंस शुरू किसने करी है ना, मेतेई कहते हैं नार्को टेररिज्म है, कुकीज जो है नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है। कुकीज का कहना है कि मेतेईज जो है इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हम तो प्रोसेशन निकाल रहे थे। ऑथर का कहना यहां पर ये फिंगर पॉइंट करने वाला टाइम नहीं है, हु स्टार्टेड, व्हाई दे स्टार्टेड, बट जो हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं जिसके वजह से प्रेजेंट ग्रीवांसेस हैं, जरूरत है सारे स्टेक होल्डर्स मिल करके उन पे बातचीत करें और सिचुएशन को नॉर्मलसी की तरफ लेके जाएं एक कंसेंसस डेवलप करके। सेकंड वो यहां पे क्या कहते हैं, यहां पे वो कहते हैं कि जो स्कोर वगैरह सेटल करना है उसको एक बार के लिए भूल जाओ, पॉलिटिकल स्कोर, और जो कोकी मिलिटेंट्स हैं दे मस्ट हैव टू बी कन्फाइंड टू देयर कैंप्स अगेन। असम राइफल्स की ये ड्यूटी है कि वो इस ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल करें, तब जाके नॉर्मलसी आएगी। पूरे आर्टिकल में उन्होंने यही सब डिस्कस किया है। तो यहां से आप कुछ पॉइंट्स को निकाल सकते हो, जैसे कि मैं आपको कह रही थी आप इसको एसे में यूज करो, तो एसे में कैसे यूज करोगे, मणिपुर देखो हिस्ट्री आपको पता चल गई, मैंने बहुत बार आपको पढ़ा दी कि मणिपुर में आपके कुकीज और मेतेईज में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके क्या क्या हिस्टोरिकल रीजन है, ब्रिटिश पॉलिसीज क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो स्टेट की पॉलिसी रही वो रिस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंट में जो इमीडिएट रीजन था वो क्या था, इसके अलावा वहां का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर डेमोग्राफी कैसा है, वो सब मैंने आपको बताया है ना, पहले भी बताया अभी भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताया। हमने देखा किस तरीके से मणिपुर की वायलेंस की वजह से लोगों की लाइफ इंपैक्ट हो रही है ना, प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, एग्जाम वगैरह हुआ होगा बच्चों का वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ होगा, राइट 28 मई को एग्जाम थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, और 3 मई को अगर ये हो रहा है सोचिए आप अपनी जगह पर रख के देखिए कितना खराब हालत होगा बच्चे का। ये रहा है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया, बट यहां पे जो ऑथर ने लाइन यूज करी है ना, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री दे आर इंटीग्रेटेड,
सेकेंडली मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप हिस्टोरिकली बहुत सारे इवेंट्स को देखो तो दे हैव एन ओरिजिन इन द ज्योग्राफी. अगर हमने डोकलाम क्राइसिस के टाइम पे इंटरवीन किया तो उसका रीजन क्या था. वैसे तो अगर देखें तो वो चाइना और भूटान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट ज्यादा है, बट इंडिया की वहां पे आपका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी का एक है ना मेन सोर्स है वो. ऊपर से इंडिया की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी भी, उसके लिए हमें डोकलाम क्राइसिस में इंटरवीन करना पड़ा. यूक्रेन का जो इशू था जहां पे यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, क्या दिक्कत होनी थी रशिया को? नहीं होनी चाहिए थी, बट रशिया स्टिल इंटरवीन्ड, है ना, यूक्रेन में. द रीजन बीइंग रशिया वाज थ्रेटन्ड बाय नाटो एंड वो यूक्रेन के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो बफर लाइन है अभी तक नाटो के बीच में और रशिया के बीच में, उसे ब्रेक किया जाए. सो मेनी अ टाइम ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है ना इज द रीजन बिहाइंड हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बोथ शेप द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. यहां पे आप मणिपुर का केस लिख सकते हो. ऐसे में ऐसे जब फिलोसफिकल एसेज आते हैं है ना, तो आप अगर एग्जाम्पल कोट करते हो तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हो. ठीक है जी. सो मेरी तरफ से ये तीन इंपॉर्टेंट थे, चौथा मैंने आपको बता दिया. ये चार आर्टिकल, बाकी न्यूज़पेपर में आज कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, यही चार थे. ये हो गया है. अगर आपको मैं बताऊं कि और आपको क्या पढ़ लेना चाहिए तो मैं कहूंगी जब प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हो जाएंगे, लेकिन स्टिल प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट गए हैं तो इजिप्ट के साथ में जो डील्स हुई हैं आप उसको एक बार कवर कर लो. ठीक है, इजिप्ट के साथ जो डील्स हुई है उसको एक बार आप कवर कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी छोटे मोटे डेवलपमेंट जो होते हैं वो आप जब यहाँ पे क्वेश्चंस करोगे 11:45 वाली क्लास में तब हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर. बिल्कुल भाविन, कंप्लीटली अग्री विद योर व्यू पॉइंट. चलिए गाइज, ठीक है, बाकी फिर